हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लौकी का खीर बनाने वाली हूँ। तो पहले लौकी को छील लेना है, फिर उसको तीन भाग में कट कर देना है ताकि हमें लौकी कद्दूकस करने में आसान रहे। जो लौकी का बीज वाला पार्ट है उसे हमें कद्दूकस नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को कद्दूकस करना है। अभी कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच घी डालना है। मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट कट कर लिया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देना है। ड्राई फ्रूट्स को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। फिर इसे हम निकाल लेंगे। अब हमें कढ़ाई में लौकी डाल के भून लेना है। इसे हमें 5 मिनट के लिए ढक देना है। अब इसमें शक्कर डाल देना है। शक्कर डाल के 10 मिनट तक इसे ढक देना है। फिर इसमें इलायची पाउडर डालना है। अब इसमें दूध डाल के 5 मिनट तक पकाना है। ये लगभग पक चुका है, तो अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लूंगी जो मैंने फ्राई किया था। तो खीर बनकर रेडी है।